सभी साथियों को जय हिंद। अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती TRE 3 के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि TRE 3 के लिए जो नया सिलेबस जारी किया गया है उसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल कौशिक GS Academy पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि BPSC शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो चलिए पूरा न्यू सिलेबस पूरे डिटेल में हम देखते हैं। सबसे पहले हम कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी टीचर का सिलेबस देखेंगे। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो रहने वाला है वो पहला भाषा अर्हता एवं दूसरा जो होने वाला है वो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड होने वाला है। इसमें आपको भाग 1 में 30 प्रश्न होंगे और भाग 2 में आपका 120 प्रश्न होगा, यानी कुल प्रश्न की संख्या आपका 150 होने वाला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 भाग में आपका पत्र होगा, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 में आपका भाषा अर्हता से रिलेटेड होगा, जिसमें आपको अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बंगला भाषा का व्यावहारिक ज्ञान, और इस भाग में कम से कम आपको 30% अर्हता यानी अंक प्राप्त होना चाहिए। वहीं पे हम भाग 2 देखेंगे आप, तो भाग 2 में आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि सामान्य अध्ययन से रिलेटेड है। सामान्य अध्ययन में आपका प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग से रिलेटेड भी होगा, परीक्षण, सामान्य जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण आदि, यानी लगभग आपका कंप्लीट GK इसमें रहने वाला है। साथ में कुछ मैथ्स भी रहेंगे, रीजनिंग भी रहेगा। तो इस तरह से आपका सामान्य अध्ययन जो दूसरा पेपर है जिसमें आपका कुल 120 प्रश्न होगा, और भाग 1 जो है भाषा अर्हता से रिलेटेड है उसमें आपका 30 प्रश्न होगा। उसमें आपका पहला पार्ट में आपका अंग्रेजी, हिंदी यानी लैंग्वेज से रिलेटेड आपका प्रश्न रहने वाला है। अगला है आपका मिडिल टीचर के लिए जो क्लास 6 से 8 के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट इनका भी भाषा अर्हता एवं सामान्य अध्ययन रहने वाला है, लेकिन इनका जो पार्ट रहने वाला है इनका 3 भाग होने वाला है। भाग 1 में इनका 30 प्रश्न होगा, भाग 2 में 40 प्रश्न और भाग 3 में कुल 80 प्रश्न होगा, यानी टोटल प्रश्न की संख्या इनका भी 150 होने वाला है, लेकिन इनका भाग कितना होगा, 3 भाग होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रथम पेपर, यहाँ पर आपका यह पत्र 3 भागों में होंगे इनका। यहाँ पे प्रथम पेपर में इनका भाषा अर्हता, अंग्रेजी व हिंदी, उर्दू, बंगला भाषा का व्यावहारिक ज्ञान, और यहाँ पे भी आपका कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। साथ में आप भाग 2 में आप देख सकते हैं कि इनका भी सामान्य अध्ययन है, इसमें सेम है, प्राथमिक गणित यानी मैथ भी रहने वाला है, GK भी रहने वाला है, करंट अफेयर भी रहने वाला है, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल आदि, यानी कंप्लीट GK, मैथ, रीजनिंग इसमें रहने वाला है। साथ में इनका जो है मिडिल क्लास के भाग 3 का सिलेबस देख लीजिए। यहाँ पे मध्य विद्यालयों के अध्यापकों के लिए एक पत्र व उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना आवश्यक है। तो ये इनका रहने वाला है, जिसमें 3रा भाग जो है जिसमें वो चुनाव करेंगे उसमें हो सकता है गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इनमें से किसी का भी आप चुनाव करके उसमें से उन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो ये रहने वाला है मिडिल स्कूल का सिलेबस। नेक्स्ट जो है अगला हम देखने वाले हैं सेकेंडरी क्लास के टीचर के लिए क्लास 9 से 10 के लिए। यहाँ पर भी इनका जो पेपर रहने वाला है इनका सब्जेक्ट सेम रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाषा अर्हता एवं सामान्य अध्ययन से रिलेटेड इनका भी 3 भाग होने वाला है। भाग 1 में 30 प्रश्न, भाग 2 में 40 प्रश्न, भाग 3 में 80 कुल प्रश्न की संख्या इनका भी 150 होने वाला है। साथ में आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि यहाँ पर पहले भाग में इनका भी वही है, भाषा से रिलेटेड इनका प्रश्न होगा जिसमें 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके बाद इनका भाग 2 में सेम है, सामान्य अध्ययन पत्र जिसके पत्र माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित अर्हता के आलोक में होगा, यानी इसमें से रिलेटेड जो भी उनके अर्हता के मुताबिक होगा, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल आदि से रिलेटेड यह पेपर आपका होगा। प्लस भाग 3 देख सकते हैं आपके एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा किसी एक विषय का चयन किया जाएगा, यानी सिलेक्शन करना है आपका, जिसमें आपका हिंदी, बंगला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, यानी किसी से भी रिलेटेड आपका यहाँ पे
हो सकता है फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत, सामाजिक विज्ञान आदि से रिलेटेड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं हायर सेकेंडरी क्लास के टीचर के लिए, क्लास 11 और 12 के टीचर के लिए यहाँ पर, तो इनका भी जो सिलेबस रहने वाला है सेम रहने वाला है, भाषा अर्हता एवं सामान्य अध्ययन। इनका जो कुल भाग होने वाला है, इनका भी कुल 3 भाग होने वाला है। पहले भाग में 30 प्रश्न, दूसरे भाग में 40 और तीसरे भाग में 80 प्रश्न होंगे, यानी कुल प्रश्नों की संख्या इनका भी 150 रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं कि भाग एक से यहाँ पर वही है, सेम भाषा से रिलेटेड होगा, जिसमें 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। भाग दो में आप देख सकते हैं एक सामान्य अध्ययन पत्र, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों हेतु निर्धारित अर्हता के आलोक में होगा, यानी जिस लेवल का आप टीचर बनने वाले हैं उसी लेवल का आपको इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें भी आपका सेम रहेगा, लगभग पूरे जीके रहने वाला है, साथ में मैथ रीजनिंग रहने वाला है, करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर करेंट अफेयर साथ में टॉप मोस्ट जीके के क्वेश्चन को कवर करवाया जाता है। तो आपको अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो बहुत सारे जीके हमारे क्लास से आपके एग्जाम में कवर हो जाएंगे। तो चलिए उसके बाद भाग तीन देख लेते हैं कि भाग तीन में आपको सिलेक्ट करना है आपका सब्जेक्ट हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बंगला, यानी आप इसमें भाग तीसरे भाग में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैथिली, मगही, अरबी, भोजपुरी, पाली, ये सारा आपका तीसरा भाग होने वाला है। इसमें आपको सिलेक्शन करना है कि आपका कौन सा आप पेपर चुन रहे हैं। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल कौशिक जीएस अकेडमी से जुड़ जाइए, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक से रिलेटेड हर अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।